शाजापुर जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर मछानिया गांव में माध्यमिक विद्यालय तो है, लेकिन वह भी भगवान भरोसे चल रहा है। बता दें कि माध्यमिक विद्यालय मछानिया में 6 से लेकर 8वीं तक क्लास के बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन एक ही शिक्षिका के भरोसे बच्चों की पढ़ाई चल रही है। शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी होने की वजह से बच्चों की समय पर पढ़ाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर बार शिक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं तो लागू करती है, लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर देखा जाए तो कुछ और ही निकलता है। या तो शासन व जिले का शिक्षा विभाग ही नहीं चाहता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और शासकीय स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो। जब जिला मुख्यालय से जुड़े हुए गांव के स्कूलों का यह हाल है तो फिर दूर दराज के स्कूलों की क्या हालत होगी। वहीं पर पदस्थ शिक्षिका ने बताया कि मैंने कई बार उच्चाधिकारियों को लिखित में अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई शिक्षक या शिक्षिका यहाँ पर नहीं आए, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अच्छा, क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? हमारे अभी एग्जाम चल रहे हैं, चल रहे हैं अकेले, गणित के पेपर में बहुत दिक्कत आ रही है और अजमा टीचर अकेली क्लास को संभालती है। अच्छा, यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। हाँ। कितने शिक्षक शिक्षिका है यहाँ पे? एक टीचर है सिर्फ। अच्छा, कौन सी क्लास है ये? एट्थ क्लास। चलो ठीक है। किरण, अच्छा कौन सी क्लास में हो? एट्थ में। एट्थ में क्या यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पे शिक्षकों की कमी है क्या? हमारे स्कूल में हमारी एक ही टीचर है, इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। हाँ। और हमारी टीचर अकेली तीनों क्लासों को संभालती है। अच्छा अच्छा, आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है ना? कौन एक ही मैडम है यहाँ पर? हाँ। यहाँ पर मिडिल स्कूल में कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? जी सर, मैं अकेली हूँ। अच्छा, और छात्र छात्राएं कितने इसमें? सर यहाँ पर है ना 6 से 8 तक क्लास है, जिसमें 16 छात्र और 26 छात्र। अच्छा, तो मैडम आप अकेले हो यहाँ पे, तो बच्चों की पढ़ाई वगैरह किस तरीके से होती होगी? सर मैं तो मैनेज करके करवा रही हूँ, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा गणित में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, अभी मैं फिलहाल अकेली हूँ, 1 महीने से संभाल रही हूँ सर। अच्छा, तो इस बारे में, इस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है? जी सर, मैंने लिखित में दिया है और उन्होंने बोला है कि अभी अतिशेष से कोई आ जाता है, अगर नहीं आता है तो फिर उसके बाद में फिर वो अतिथि रखने की परमिशन दे। अच्छा, तो अभी ये जो 6 से लगाकर 8 तक है, 3 क्लास लगती है, तीनों में आप अकेले ही देखते हैं? जी सर, सुबह मतलब 11 से शुरू होती है तो दक्षता 1:30 बजे तक चलाते हैं, दक्षता के 2-2 पीरियड लग रहे हैं, उसके बाद फिर लंच होता है और फिर लंच के बाद फिर विषय का करवाते हैं। अच्छा, क्या नाम मैडम आपका? जी हेमलता बिठरिया। शाजापुर से किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट।